हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो सेशन ऑफ उर्दू क्लास उर्दू क्लास के लास्ट वीडियो में आपने हरूफ तहजी को लिखना सीखा था लास्ट वीडियो में हमने अलिफ़ से लेके ज़ुआत तक हरूफ तहजी को लिखना सीखा था आज के इस वीडियो में हम तोय से लेकर बड़ी ये तक कंप्लीट करेंगे तोय को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन खींची और जैसे इंग्लिश का लेटर बी होता है उसको बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं और बस थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो ये तोय बन जाता है तोए की तरह ही जोए भी बनता है देखिए और सिंगल स्ट्रोक में बनाया जाता है तोए और जोए दोनों एक ही फैमिली के हैं लेकिन सिर्फ एक नुक्ता अगर हम लगा दें तो ये तो से जोए बन जाएगा नेक्स्ट लेटर है आपका आयन आयन बनाने के लिए एक छोटा सा कर्व जस्ट लाइक सी एंड अ बिग वन कर्व देखिए इसको ऐसे करके कंबाइन करके बनाएंगे तो एक छोटा सा कर्व और फिर एक बड़ा कर्व बड़ा कर्व आपका हाफ़ लेवल तक जाना चाहिए तो ये आयन बन जाता है इसी तरह से गैन भी बनता है एक छोटा कर्व और फिर एक बड़ा कर्व बड़े कर्व को हम ऊपर लेकर आएंगे वो भी हाफ़ लेवल तक तो आयन और गैन दिखने में दोनों एक से होते हैं लेकिन गैन के सर पर एक नुक़ा होता है नौ नेक्स्ट लेटर इज़ फे तो फे बनाने के लिए आप एक छोटा सा राउंड बनाएंगे उस राउंड को आगे प्रसीड कर देंगे और ऐसे बना देंगे तो ये छोटा सा गोल सर्कल और इसको आगे लेकर आए इसको थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया तो ये फे बन जाता है फे की आवाज़ लंबी खींच कर आती है फे की ही तरह से हम बनाते हैं काफ देखिए काफ़ी रहा काफ को जब हम बनाएंगे तो उसमें भी एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे लेकिन काफ क्योंकि गोल आ, का, काफ की आवाज़ एकदम गोल गोल सुनाई दे रही है हमें तो उसका शेप भी गोल होता है और काफ के सर पर दो नुकते होते हैं तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई हेयर काफ बनाने के लिए एक छोटा सा सर्कल फिर और उसको घुमाया और नीचे ले गए और हमने दो नुक्ते लगा दिए ये काफ बन गया तो काफ को अब हम काफ़ के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारा काफ ये था काफ़ जिसकी आवाज़ बहुत आ, हलक से आती है गोल गोल सुनाई देती है मैं आवाज़ काफ़ नेक्स्ट है काफ ये सिंपल काफ है तो इस काफ़ में दो नुक़ नुक्ते होते हैं और नेक्स्ट वाला काफ होता है तो एक स्टैंडिंग लाइन एक स्लीपिंग लाइन और फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लेंटिंग लाइन बनाते हैं इस स्लेंटिंग लाइन को हम मरकज कहते हैं तो ये काफ बन गया नेक्स्ट वन बिल्कुल इसी तरह है स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन अगेन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन तो इस काफ के ऊपर अगर हम दो मरकज लगा दें दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल होती हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल होंगी तो ये गाफ बन जाएगा तो गाफ के बाद आता है नेक्स्ट लेटर लाम लाम के लिए एक स्ट्रेट लाइन और हल्का सा कर्व दिया और ऊपर ले गए तो ये हमारा लाम बन जाएगा हाफ लेवल तक लेकर जाना है हमें लाम को नेक्स्ट वन इज आपका है मीम तो मीम के लिए एक छोटा सा ओवल शेप और कर्व दिया और स्ट्रेट लाइन नीचे लेकर आएंगे मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ एक छोटा सा ओवल शेप कर्व दिया और नीचे स्ट्रेट लाइन लिया आए वंस अगेन छोटा सा कर्व कर्व लिया और नीचे स्ट्रेट लिया है तो ये आपका मीम बन जाता है और ये भी सिंगल स्ट्रोक में बनना है मीम के बाद नेक्स्ट लेटर है नून नून बनाने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इनकम्प्लीट सर्कल होगा और उसमें बीच में एक डॉट लगा देंगे नुक्ता रख देंगे तो वो नून बन जाएगा नेक्स्ट लेटर इज वाओ वाओ बनाने के लिए दाल की तरह से बनाते हैं वाओ को एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा और कर्व लेकर नीचे घुमा के ले आएंगे दाल हम जब बनाते हैं तो दाल का शेप पैसा होता है लेकिन वाओ में एक छोटा सा छोटा सा एक सर्कल भी उसमें इंक्लूड होता है तो ये वाओ बन जाता है वाओ के बाद आती है हमारी छोटी हे छोटी हे बनाने के लिए हम छोटा सा गोल सा शेप देते हैं और ऊपर टन ले जाते हैं इधर से भी लाते हैं और ऐसे करके कर देते हैं बुक में आपको है कुछ इस शेप में मिलेगा देखिए तो ये हे इस तरह से बुक में होता है लेकिन हम जब कॉपी में लिखते हैं तो हमारा शेप कुछ इस तरह से बन जाता है तो हम इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये छोटी है वरना वो सर्कल uh, जैसा शेप लगता है छोटी हे के बाद जाता है दो चश्मे हे, दो चश्मी हे बनाने के लिए एक स्लेंटिंग लाइन बैक किया ओवल शेप दिया लाइन में ला नीचे टच किया वापस वो वा, वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए फिर ओवल शेप दिया और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर उसको उसका ज्वाइन कर दिया तो ये दो चश्मी हे बन जाता है नेक्स्ट लेटर है हमारा हमज़ा हमजा बनाने के लिए एक छोटा सा सी बिल्कुल छोटा सा सी उसमें एक छोटी सी लाइन बस ये हमज़ा होता है हमज़ा को सिर्फ चार लेटर्स पे लगाया जाता है तो इस क्योंकि ये लेटर के ऊपर लगाया जाता है इसलिए छोटा सा बनाया जाता है नेक्स्ट लेटर इज़ छोटी ए छोटी ए के लिए हम छोटा सा सी बनाएंगे, और उस सी को टर्न लेके नीचे लाएंगे, लाइन पे टच करेंगे और बैक कर देंगे तो ये इनकम्प्लीट सर्कल जैसा हो जाएगा लेटर है हमारा बड़ी ये बड़ी के लिए एक छोटी सी स्लेंटिंग लाइन और फिर उसको कर्व देके हम लाइन पर टच करते हुए आगे के लिए आगे ले कर जाएंगे हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो सेंटर में हो तो जितना इस साइड में लेफ्ट साइड में जाए उतना तो ही राइट साइड में जाना चाहिए तो ये बड़ी ये बन जाएगा तहत जी जो आपने लिखी थी वो अलिफ से लेके ये तक यानी अलिफ से लेके बड़ी ये तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है फिर कॉपी में इससे पहले भी आपने वर्क किया था जो मैंने आपको बताया था वो वर्क ये है जो आपने किया था फर्स्ट पेज पे ये वर्क करना था नाउ द नेक्स्ट वर्क इज़ दिस वन आपको अपनी कॉपी में कुछ इस तरह से लिखना है यानी कि पहले उर्दू लेटर्स लिखेंगे फिर उनकी हिंदी साउंड फिर इंग्लिश में उनको कैसे प्रोनास इनका प्रोनाशिएशन क्या होता है या आप उसको किस तरह से रीड करेंगे वो लिखा जाएगा इन द सेम वे दिस वन एंड नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट वन